ये एनर्जी रेटिंग जबरदस्त है। ये इतना पावर पैदा कहां से करता है? तो ये फिर आ गया। अब मैं समझा। होल्ड, बाएं वालों को तुम संभालो और तुम राइट वालों से निपट लो। और क्या तुमने ऐसा कुछ पहले कभी देखा है? बहुत बड़ी कद है। तुम्हें मेरे हथियारों में किसी खास चीज की तलाश तो नहीं थी? तुम तो बस देखकर हैरान थे, जैसे कोई जंगली पहली बार अपनी फोटो देखे या कोई एरेगुलर किसी बीटा फील्ड को। जागा, माफ करना, ये नाम तो तुम्हें 800 साल बाद ही समझ में आएगा, लेकिन तब तक तुम जिंदा कहाँ रहोगे? कह नहीं सकते, हो सकता है मैंने भी एक दो अपग्रेड्स अपने पास छिपा रखे हो। तुम रह गए पिछड़े के पिछड़े ही। जब तक तुम मेरी ताकत का डेमो नहीं देखते, तुम्हें यकीन नहीं होगा। ये तुमने क्या किया? हम अपना बैलेंस खो रहे हैं, वो लगता है गलत दिशा में जा रहे हैं। उसका इरादा आइल ऑफ मैनहट्टन को तबाह करने का है। हल कैसा नहीं होने देगा। मैंने उसे सिर्फ कहानियों के बारे में पूछा तो मुझ पर एकदम गुस्सा हो गया। फाल्कन शिप चलाओ। रुक जाओ। लगता है वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखना चाहता है। तुम इसे अपने दिमाग से कंट्रोल करते हो? ये सब तुम स्विच, डायल या लीवर से कंट्रोल करते हो। हमारी दुनिया में ये सब पुराने हो गए हैं तुम्हारी तरह। पुराने, इसलिए मेरे काम में कोई सिक्योरिटी नहीं होती। हर इन्वेंशन के बाद उसका अच्छा इन्वेंशन होता ही है। हम जैसे इन्वेंटर्स के साथ भी ऐसे ही होता है। हमसे तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा? जवाब उसे दूंगा जिसे महसूस हो कि जिसे इतनी मेहनत से बनाया हो उसे खोने में कैसा लगता है। जीतने वाले फिक्र नहीं करते, किसी भी चीज की नहीं। तुमने शिप का नाम द सॉर्ड ऑफ जेमिनिस रखा है ना? तुम्हें पता है वो क्या? एक किंग की तलवार, एक बाल के सहारे लड़की ना जाने कब गिर जाए और किसी भी पल उसका राज्य खत्म हो सकता है। तुमने वाकई इसके लिए सही नाम चुना है। क्या कहा? मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। बातें तो मुझे ऐसी करते हो, लगता है मैं तुम्हारे दादाजी का भी दादाजी हूँ। तुम्हें क्या लगता है जूनियर? तुमसे बातें करके अच्छा लगा छोटू। से गैंग शिप को कंट्रोल कर रहा था, किसी वजह से वो ऑफलाइन हो गया। इससे कोई रास्ता खुला क्या? थोड़ी देर लगेगी। हमारे पास वक्त नहीं है। ओके बैकन, हल्क के हाथों की ताकत तुमने देखी नहीं, समझे क्या?